आज है हमारा पूरी में सेकंड डे, जा रहे हैं हम मंडे। आप मेरे व्लॉग को जबरदस्ती का खराब करते हैं। तो गाइस हमारे जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन बहुत हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स और मैं हूं रिचा। तो आज है हमारा पूरी में सेकंड डे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मींस अभी 7:30 या 8 बज रही है। मैं आपको समुद्र का व्यू दिखाती हूँ मॉर्निंग का। हमारा रूम है 4th फ्लोर पे, इसलिए गैलरी पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ी गर्म हवा भी चल रही है, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। बस अभी हम सो के उठे हैं और मैं जाती हूँ अभी नहाने के लिए, क्योंकि आज हमें जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर। तो गाइस मैं आप लोगों को तैयार होने के बाद मिलती हूँ। नहा के मैंने पहन लिया ये पिंक कलर का न्यू कुर्ता। ये कुर्ता मेरे हस्बैंड बोलबम से लेके आए थे, और इस बार के कुर्ते की कलेक्शन तो मैंने आप लोगों को दिखाई ही नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो हमने मंगाया था डोसा और पूरी और छोले की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। साथ में पिया हमने कड़क चाय। तो गाइस हम जा रहे हैं मंडे, और पूरी का मौसम अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश में हम जा रहे हैं मंदिर। ज़्यादा बारिश हो रही है, वरना यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, तो फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे बारिश देखने को मिल रही है। मुझे और मेरे हस्बैंड को मंदिर जाकर दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, और सच में मंदिर जाने के बाद दिल में बहुत सुकून सा मिलता है। तो हम आ चुके हैं मंदिर के पास, और ये है मंदिर के पास की गली। यहाँ से जाना है हमें मंदिर। तो गाइज़ अगर आप भी जगन्नाथ पुरी आते हैं जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आजकल सभी मंदिरों के बाहर जूते चप्पल का निशुल्क स्टैंड लगा हुआ होता है, और यहाँ पर भी निशुल्क स्टैंड बन चुका है, जो कि हमको पता नहीं था, क्योंकि हम पिछले बार जब भी आए हैं तो हम काउंटर जो बने होते थे वहाँ पर पैसे दे कर ही हम अपने जूते चप्पल रखते थे। तो यहाँ पर भी हमने 50 रुपये दिए अपने जूते चप्पल और मोबाइल जमा कराने के लिए। लेकिन जब हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ पर भी निःशुल्क काउंटर बन चुका है। हमने बहुत ही अच्छे से जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, और हम मंदिर से बाहर आए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आप इतनी दूर जाते हो और भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता। अगर होता तो मैं आप लोगों को भी अपने ब्लॉग के थ्रू जगन्नाथ जी के दर्शन करवा पाती। तो गाइस हमारे जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, और जितनी भीड़ रहनी चाहिए उससे तो थोड़ी कम ही भीड़ थी, तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए। कितने देर में? लगभग आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और अभी हम हैं मंदिर के जस्ट बाहर, जो कि आप देख सकते हो कि हमारा ही मंदिर है।